हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो वैलेंटाइन वीक में हम बनाने वाले हैं रोज़ मोमोज। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो रेडी करना है। तो हमने यहाँ पे लिया 1 कप मैदा, उसमें डाला है हमने सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये हमने कलर के लिए यहाँ पे यूज़ किया है बीटरूट का जूस। तो इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। ये हमने पिंक कलर का डो रेडी कर लिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट डो भी रेडी करेंगे ताकि हम कलरफुल रोल भी बना सकें। इसके बाद हम यहाँ पे फिलिंग रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑयल में डाला है चॉप्ड गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज, अनियन, कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज, और इन सबको डाल के अच्छे से इसे हम सॉटे करेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसे हम हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा चिल फ्लेक्स और ऑरिगेनो का पैकेट डाल दिया है, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क सोया सॉस भी ऐड किया है। अब इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। चलिए हम मोमोज के यहाँ पे फिलिंग करते हैं। ये इस तरह से हमने इसे राउंड शेप में कट कर लिया है, और इस तरह से एक के ऊपर एक हमने यहाँ पे 3 ही स्लाइस रखे हैं। तो इसमें हम फिलिंग रखेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करके राउंड कर देंगे, और ये बहुत ही अच्छा सा रोज का शेप बन जाएगा। ये देखिए हमारा रोज बनकर तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम पिंक और व्हाइट शेड का भी रोज तैयार कर लेंगे। और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोज बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से सारी रोजेस बना लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और जो हमारे मोमोज थे वो रख दिया है। इसे 1 मिनट तक के कुक किया है। इसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर कुक कर लिया। ये बहुत ही अच्छे से हमारे स्टीम और फ्राई दोनों बन चुके हैं। तो बस इस तरह से इसे हमने बनाना है, और ये बहुत ही मजे के रोज बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे मजे से खाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, बाय।